Assalamu alaikum guys, welcome to another video and welcome to our channel dablewtech Pakistan. और आज का जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो स्पेशली गेमर्स के लिए है और जो कि गेमिंग वगैरह पसंद करते हैं उन लोगों के लिए और मल्टी मीडिया यूज़र्स के लिए भी है. तो जो मैं हम लोग प्रोडक्ट लेके आए हैं वो है Mpow का Eg10 गेमिंग हेडसेट. तो आइए रिव्यू की तरफ चलते हैं. हाँ तो गाइज़ वेलकम बैक. सो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग आज गेमिंग हेडसेट की बात कर रहे हैं. अगर आप गेमर हैं और आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो और आपको एक अच्छी साउंड क्वालिटी की ज़रूरत है तो हम आपके लिए Mpow का Eg10 गेमिंग हेडसेट लेके आए हैं. तो अगर हम इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं तो हमें इसके अंदर साउंड मिल जाता है. सराउंड साउंड फीचर आपके जो आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको एक सिनेमैटिक फील आपको देता है इस गेमिंग के हेडसेट के थ्रू. इसके अंदर 50mm का ड्राइवर है. यूजली जो अच्छी साउंड जो स्टैंडर्ड होता है गेमिंग हेडसेट का वो 40 से लेकर 80 के रेंज में होता है, इसके बिटवीन में. तो दिस इज़ इसके अंदर 50mm का ड्राइवर साउंड ड्राइवर मौजूद है जिसमें आपको एक अच्छी रिच साउंड आपके लो डायनामिक्स और हाई डायनामिक्स को अच्छी तरीके से कंट्रोल करके साउंड आपको आएगी. इसके अंदर जो माइक्रोफोन दिया हुआ है वो है बिल्ट इन माइक्रोफोन है जो कि आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं ऊपर नीचे आप आराम से अपने मुंह के हिसाब से जहां आपको कंफर्टेबल लगे या आपको यूज़ भी नहीं करना तो आप ईज़िली इसको रोटेट करके ऊपर नीचे कर सकते हैं और काफ़ी सॉलिड है. इसका मतलब आपको ये नहीं कि आपको हिला हिला के लूज़ हो जाएगा या कुछ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है. जो कि नॉइज़ कैंसिलेशन माइक भी है जिसमें फॉर एग्जांपल आप अगर कोई बात वगैरह करते हैं साथ साथ, अब अगर आप पबजी वगैरह खेलते हैं या आप काउंटर स्ट्राइक CS:GO खेलते हैं या आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये आपको नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर देता है. आपके माइक के अंदर बिल्ट इन है तो आपको आवाज़ इसकी बिल्कुल नहीं आएगी, मतलब बाहर की नॉइज़ वगैरह आवाज़ नहीं आएगी आपको. इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर इन लाइन वॉल्यूम और माइक कंट्रोल है. फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना माइक वगैरह कंट्रोल सेट करना है, आपके जो माइक होते हैं बेसिकली तो हमारा माइक है उसमें कभी कभी जो दूसरे हेडफोन्स के अंदर हमने देखा है कि उसके अंदर बिल्ट इन माइक्रोफोन का बटन दिया हुआ होता है जो कि कुछ देरों बाद ख़राब हो जाता है, एक प्रॉपर ऑफ़ या ऑन स्विच नहीं होता. बट इसके अंदर आपके पास वॉल्यूम का भी है, आप वॉल्यूम एडजस्ट वगैरह कर सकते हो और आप अपना माइक को भी कंट्रोल कर सकते हो. ऑन एंड ऑफ करके अपना माइक आपका बंद हो जाएगा और माइक अपना खोलेगा इंस्टेड के आप अपनी माइक की वॉल्यूम बंद करो जो कि यूजली मैंने बताया है कि जो ख़राब हो जाती है. और इसके अंदर जो कंपैटिबिलिटी है जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप पबजी मोबाइल खेलते हो अपने मोबाइल में गेमिंग करते हो जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है कि आप मोबाइल गेमिंग हर कोई आजकल काफ़ी खेलता है तो मोबाइल गेमिंग के हिसाब से भी हमारे पास लाइक वाइड रेंज इसके अंदर अवेलेबल है कि आप इसके अंदर ये जो आपका हेडफोन है ये आप कंप्यूटर के साथ अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो प्लस आप अपने मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो. उसके साथ इसकी मोबाइल की वायर आती है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दूसरे सराउंड साउंड और जितनी भी जितनी दूसरी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर भी लिखी हुई हैं और इसके अंदर बाकी जो डिटेल हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं. अब चलते हैं हेडफोन की तरफ और इसकी एसेसरीज की तरफ. हाँ तो भाई तो ये हमारे हेडफोन्स हैं बेसिकली जो आपको Mpow के हेडफोन जो हमने अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं तो दिस इज़ द हेडफोन यू विल गेट इन द बॉक्स अगर आप परचेज़ करते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डिज़ाइन अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी का डिज़ाइन है और इसके अंदर कोई चीप प्लास्टिक इसके अंदर यूज़ नहीं किया हुआ. यूजली जो इस रेंज के जो हेडफोन्स होते हैं दूसरे ब्रांड्स के जो कि चाइनीज़ ब्रांड्स होते हैं उनके अंदर ये जो क्वालिटी होती है माइक की वो हेडफोन की जो क्वालिटी होती है और माइक्रोफोन की जो क्वालिटी होती है वो मतलब 50-50 होती है और यूज़र्स काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि यार हमने ये इतने का बाय किया और ये ख़राब हो गया. बट वी कैन गारंटी यू कि जो Mpow का ये वाला जो हेडफोन है अलॉन्ग विद द माइक्रोफोन जिसके साथ आता है ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा अगर आप लॉन्ग टाइम गेमिंग करते हैं. अगर हम कंफर्ट की बात करें, कंफर्ट इज़ अ वेरी नंबर वन पॉलिसी एंड नंबर वन डिमांड फॉर द लॉन्ग टाइम सिटर्स जो कि लंबा लंबा बैठ कर गेम करते हैं. आई एम ऑल्सो माई सेल्फ अ गेमर तो मुझे भी कोई ऐसा कंफर्टेबल हेडफोन चाहिए होता है जो कि मुझे चुभे नहीं, अनॉय मत करे लाइक यू नो
तंग ना करे कि यार ये चुभ रहा है, थक गया पहन के। तो इसके अंदर हम देख सकते, आप देख सकते हैं कि ये फोम दिया हुआ है आपके हेड स्ट्रैप के ऊपर, आपका जहाँ पर हेड लगता है, तो एक नाइस फोम दिया हुआ है जो कि आपको प्रॉपरली अच्छी तरीके से आपको कंफर्टेबल देगा आपके सर के ऊपर जब आप हेडफोन वगैरह पहनेंगे। और आपके कानों के लिए भी एक सॉफ्ट कुशन वगैरह दिए हुए हैं जो कि मॉइस्ट फ्री हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर पसीना वगैरह आ जाता है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और काफ़ी अच्छी फील है। मैंने इसको टेस्ट किए थे, तकरीबन एक घंटे तक मैंने इसको पहना हुआ था और मैंने लॉन्ग टाइम गेमिंग की थी जो मैं ये रेगुलरली कभी कभी करता हूँ, तो मुझे इसमें कोई भी एक तरह की अनॉइंग फीलिंग नहीं आई कि यार बस अब बहुत भारी हो रहा है और ये हो रहा है। और भारी की जहाँ तक बात है एज़ कम्पेयर टू अदर हेडफोन तो काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं अपने हेडफोन के साथ कंपेयर करूँ जो मेरे पास ये मैंने लिए थे, आई विल नॉट नेम द कंपनी, जो मैंने हेडफोन लिए थे उसके कंपेयर में थोड़े से भारी हैं, बट इफ़ यू कंपेयर द वेट ऑफ दिस हेडफोन तो ये काफ़ी अच्छा और लाइट वेट है कि आपको एक भारीपन महसूस नहीं होता कि आप पहने पहने थक जाएं या कुछ करें। अगर हम इसके माइक की तरफ बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसका रोटेटेबल अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं माइक, जहां पर आपको अपना माइक वगैरह लगाना है अपने मुंह के करीब करना जैसे, या अगर आपको यूज़ नहीं करना तो आप इसको ऊपर रख सकते हो। और इसके अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन इसकी फ़ीचर दी हुई है जो कि आप अपनी जो बैकग्राउंड नॉइजेज हैं जो शोर वगैरह आता है कभी कभी उनको ऑटोमेटिकली ये कैंसिल आउट कर सकता है। और इसके अंदर जो डायनामिक इक्वलाइजर दिया हुआ है बिल्ड इन इसके अंदर स्पीकर पे, विच गिव यू द गुड क्वालिटी साउंड ऑफ योर गेम्स। अगर आप कोई यू नो हैवी ड्यूटी गेम खेल रहे हैं लाइक मॉडर्न वॉरफेयर, या आप पबजी खेल रहे हैं, या आप काउंटर स्ट्राइक वगैरह खेल रहे हैं, कोई भी ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर सिनेमैटिक साउंड दिया हुआ है, तो ये आपको प्रॉपरली आपको साउंड डिलीवर करता है एज अ रिच सिनेमैटिक साउंड। अगर हम बात करें इसके कनेक्टिविटी की, जो मैंने आपको बताया था कि कॉम्पैटिबिलिटी इसके अंदर दी हुई है कि आप मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, इसके साथ आपको एक मोबाइल का ये बेसिकली आपको वायर मिल जाता है, ऑक्स केबल है इस तरह का, जो कि आप अपना जो केबल है वो आप ये जो एंड है आप अपना इसके अंदर हेडफोन का ये कनेक्ट करोगे, बाकी जो दूसरा एंड है वो आपके मोबाइल में जाएगा और सेम टू सेम आप अपना ये हेडफोन मोबाइल के साथ भी यूज़ कर सकते हो विद दैट केबल विच इज़ इंक्लूडेड इन द बॉक्स फॉर फ्री। अगर हम इसी कनेक्टिविटी की बात करें तो हमें दो तरह की कनेक्टिविटी मिल जाती हैं बेसिकली, हमें इसका हमें USB मिल जाती है और हमें इसका ऑक्सी केबल मिल जाती है फॉर योर कंप्यूटर। आप अपने USB के थ्रू भी लगा सकते हो उसको और अपने आप अपने फॉर एग्जांपल स्पीकर में जो ऑक्सी जो जगह होती है स्पीकर की जगह होती है आप वहाँ पर भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। वायर की बात करें तो काफ़ी अच्छा वायर, स्ट्रॉन्ग वायर है। यूजली वायर बहुत कभी कभी अक्सर वीक होते हैं, अगर हम लो क्वालिटी के हेडफोन्स की बात करें तो वायर यहाँ से डैमेज हो जाता है जो कि आपके हेडफोन्स में साउंड प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाता है कि एक से आवाज़ आ रही है एक से आवाज़ नहीं आ रही। तो दिस इज़ द कंट्रोल पैनल इसका, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के उसमें यहाँ से आप अपना माइक और ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑन कर दिया माइक तो ये ऑन ऑफ माइक आपका ऑफ हो जाएगा, ऑन करोगे तो आपका जो माइक है ये ऑन हो जाएगा एंड देन यू कैन यूज़ इट एनीवेयर यू वांट। और ये इसका वॉल्यूम स्विच है, वॉल्यूम स्विच काफ़ी अच्छा सॉलिड है, इट्स नॉट वॉबली जो यूजली जो दूसरे हेडफोन्स होते हैं उनके जो वॉल्यूम की होता है वो थोड़ा सा लाइक यू नो थोड़ा वॉबली हो जाता है, और वक्त के साथ साथ उसके अंदर से जो साउंड की जो एडजस्ट करने की क्वालिटी है वो बेसिकली ख़राब हो जाती है, और साथ ही साथ फिर वो जो है पूरा हेडफोन जो है वो सही तरह से काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट से आवाज़ आएगी, राइट से आवाज़ नहीं आएगी, यहाँ से आवाज़ आएगी, वहाँ से आवाज़ नहीं आएगी। सो बेसिकली ये आपका एक ओवरव्यू। अगर मैं इसकी रिकमेंडेशन की बात करूँ तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू एंड ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप हमारी शॉप से बाई करें। हम चलते हैं इसकी प्राइस और फाइनल थॉट पे। तो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हैं Mpow का EG110 गेमिंग हेडसेट बाई करने में तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सके हैं, हमारी वेबसाइट है dablew.pk और वहाँ से आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। जो प्राइस हमारे पास करंट चल रही है इस हेडफोन की वो है 4,500 रुपये विद डिलीवरी
included. और इंशाल्लाह जब आप इसको बाय करेंगे तो आपके पास विद इन 1 या 2 डेज़ के अंदर जहाँ आप रहते हैं आपको हमारी तरफ से इस प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाएगी. तो आप हमारी नीचे लिंक दी हुई है वहाँ पर आप जा सकते हैं और ये जो प्रोडक्ट है गेमिंग हेडसेट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप हमसे मंगवा सकते हैं एंड वी कैन अश्योर यू कि आप हमारे प्रोडक्ट से डिसअपॉइंट नहीं होंगे. हाँ तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दीजिए और फिर दें मुझे इजाज़त. मैं आता हूँ नई वीडियो के साथ और नई वीडियो में हम लोग नया प्रोडक्ट लेके आएंगे रिव्यू के लिए. तो तब तक के लिए ख्याल रखें और हमारी वेबसाइट चेक करें, हमारा चैनल चेक करें, दूसरी वीडियोस चेक करें, रिव्यू. अल्लाह हाफिज़.